अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 17 जनवरी गुरुवार के दिन कौसा खड़ी मशीन के डायमंड हॉल में महिला संगठनों द्वारा महिला सेफ्टी ऑडिट का जो है जन सुनवाई का एक कार्यक्रम लिया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थी ठाणे महानगर पालिका की महापौर मीनाक्षी शिंदे जी। इनके अलावा और भी कई गणमान्य लोग थे, कई प्रतिष्ठित लोग थे, लेकिन इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि मुमरा कौसा के विभिन्न इलाकों से कई युवतियों और महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सबसे ज्यादा इसमें अगर शिकायतें प्राप्त हुई तो वो नशा नशेड़ियों के खिलाफ और नशा बेचने वालों के खिलाफ। महिलाओं को क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानियां हैं, किस तरीके से जो है युवतियों को लड़कियों को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, इस पर खास करके महिलाओं और लड़कियों ने युवतियों ने अपनी बात रखी। इसके अलावा पानी से जूझती महिलाओं ने अपनी समस्या रखी। शौचालय बहुत दूर जाना पड़ता है, आम तौर पर जो है जहां स्लम एरिया है, जहां कॉमन टॉयलेट वाले इलाके हैं, वहां पर शौचालय कितनी दूरी पर है और उसकी साफ सफाई न होने की वजह से जो है कितना मतलब वातावरण प्रदूषित रहता है, कितनी खराब रहती है स्थिति। ऐसी कई सारी शिकायतें महिलाओं ने इस महिला सेफ्टी के ऑडिट के जन सुनवाई में जो है अपनी बातें रखी। क्या कहा इन महिलाओं ने वो आप देखिए हमारी इस खबर में। उसके बाद हमारे संवाददाता सरफराज दरबारी ने इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि महापौर मीनाक्षी शिंदे जी से बात की। शहर के और दो तीन मसलों पर भी उन्होंने इस दौरान उनसे बात की। तो क्या कहा इन सब चीज़ों पर, इस कार्यक्रम पर महापौर मीनाक्षी शिंदे ने, वो आप देखिए। एक महिला पुलिस अधिकारी ने क्या कहा वो भी आप हमारी इस खबर में देखिए। मैंने 2 साल श्रीलंका में जॉब किया है, वहाँ के बच्चे के फादर्स मदर्स वो बहुत पुअर लोकैलिटी से, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन कढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उधर पानी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन की प्रॉब्लम है। कचरा तो आप देखोगे तो मुमरा में सभी जगह है कचरे का, तो मैं किधर का बोलना नहीं चाहूंगी। प्लस अगर कोई लड़की जॉब करती है तो वो श्रीलंका से चल के नहीं जा सकती, वो मिलीनियम से चल के इतना अंदर तक भी नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ सेफ्टी तो उधर है नहीं। अलग चीज ये है कि उधर एक गुफा है जहाँ पे दोपहर में मार्केट लगती है, रात में उधर कुछ स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे लड़के उधर जाएंगे? रोज वो 30-30 रुपया दे के वो अंदर तक के अंदर जा नहीं सकती। तो मैं थोड़ा चाहूंगी कि उधर थोड़ा सिक्योरिटी का थोड़ा एक नजर हो। प्लस नशे, नशे क्यों होता है नशा? अगर बेचा ही ना जाए तो नशा होगा नहीं, मैं ये बोलना चाहती हूँ। अगर आप बेचोगे नहीं तो नशा होगा नहीं, लड़के नशे करेंगे तो आप लड़कों के जगह जो बेचते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तभी प्रोग्राम में और कुछ यहाँ की औरतों ने स्टेज पे आकर आपके सामने यहाँ के माहौल के बारे में बताया, तो सबसे ज़्यादा मुद्दा किस बात पे? महिला सुरक्षा के बारे में ज़्यादातर लोगों ने इधर बात की। मेरे ख्याल से TMC ने भी अभी जो कैमरे की बात उन्होंने उठाई है,
तो मैं ठाणे नगरी की महापौर होने के नाते जो 2015 में हम लोग ने सैंक्शन किया था हर जगह पे हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो ठाणे शहर में तो बहुत जगह पे लग चुका है, लेकिन मुमरा में मेरे ख्याल से अभी जिन्होंने बताया कि उस इलाके में नहीं लगाया, तो मैं उस लोक प्रतिनिधि से कह के वहाँ पे जल्द से जल्द कैमरे लगाने की सुविधा करूँगी। नशे के बारे में भी लोगों ने बहुत सारी बातें कही और नशे के आ रहे हर बच्चा जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन भी उस पर कठोर कार्रवाई करने के लिए अभी मेरे साथ उन्होंने बात की कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। हर बच्चा जो काम पे नहीं है वो अभी नशे के हालत में रहता है और उसके वजह से चोरी और हर एक गुना उनके हाथ से हो रहा है, तो वो रोकने के लिए मेरे ख्याल से आज जो जनसुनवाई रखी गई तो हर लोगों का यही एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और नशे के बारे में एक सवाल था, वो सवाल अभी कैसे हल होगा वो हम लोग अभी हमारे तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आप खुद भी एक महिला है और आप महापौर हैं और इतनी सारी मुमरा की महिलाओं ने, बच्चियों ने, बड़ियों औरतों ने भी आपके सामने काफ़ी मुद्दे रखे, उसमें खास करके मुमरा शहर के चलते भी तो रास्तों के बारे में, लाइट के प्रॉब्लम के बारे में, कुछ लोगों ने अपने एरिया में पानी न होना और बाथरूम की साफ सफाई के, ये सब जब टेंडर निकलते हैं हर साल टेंडर निकलते हैं, 2016 में भी 2,17,00,000 रुपये निकला था उसमें नए बनाने, मगर ये काम मुमरा शहर में हुए नहीं, ये हमारा सर्वे। तो अब इन टेंडरों के बारे में मालूम लेके कुछ करेंगे ऑफिसरों के खिलाफ? हाँ, अभी तो जो लेडीज़ नगर सेवक इधर बैठे थे उनको भी मैंने कहा कि अपने प्रभाग में जो समस्या है लोगों ने आज जनसुनवाई के दौरान इधर बताई है, तो उस समस्या का हल ज़रूर निकालेंगे। और जो आप टेंडर के बारे में बोल रहे हैं जो काम अभी तक हुआ नहीं मुमरा में, तो वो कैसे होगा और कैसे टेंडर प्रोसेस में क्या क्या गफलत हुई है उसकी जानकारी मैं अभी लूँगी। इसके बाद तो उन अधिकारी पर कुछ कार्रवाई वगैरह होगी? कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर काम नहीं हुआ रहेगा और ऐसे बिल निकाल रहेगा तो उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। मैडम, आप एक पुलिस अधिकारी है और महिला है और ये डायमंड हॉल में जो प्रोग्राम रखा गया था ये महिलाओं के ताल्लुक से रखा गया था, यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो इधर इनविटेशन किया उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, और इधर आके हमको महिलाओं के जो हर एक एरिया में जाके उनके जो प्रॉब्लम वो सुनने को नहीं मिलते, लेकिन इधर एक ही प्रोग्राम में वो सब किसको क्या प्रॉब्लम है, म्यूनसिपैलिटी की पुलिस को लोगों को क्या हेल्प चाहिए उनके बारे में हमें जानकारी मिली, तो इधर आके बहुत अच्छा लगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम तक पहुँचे, तो उनके बारे में हम उसके बारे में जरूर विचार करेंगे। महिलाओं की सेफ्टी को लेकर के एक ऑडिट जन सुनवाई का कार्यक्रम जो डायमंड हॉल में हुआ, कैसे हुआ, क्या बातें महिलाओं ने रखी, लड़कियों ने रखी, युवतियों ने रखी, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।